हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करके आपको फुल वॉच करना है। इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल से ही शायरी वाले अटेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं, वो भी अपने फ़ोटो का या किसी अन्य फ़ोटो का फ्रेंड्स। तो इसलिए वीडियो को आपको फुल वॉच करना होगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। जिस तरह से मैं आपको बताऊँगा उस स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए। अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। आपको कोई भी समस्या आती है तो डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ अपने वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि वीडियो को फुल वॉच करते रहना है। प्ले स्टोर में आकर आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है दोस्तों काइन मास्टर। देखिए, आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन का ऑप्शन आएगा। अगर आपको अपडेट का ऑप्शन आता है तो आप वहां से सिंपली अपडेट कर लेना है। तो चलिए मैं बैक आता हूं। आपको क्या करना है कि अब काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो फ्रेंड, जब आप सिंपली ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो दोस्तों, अगर आप स्नेक वीडियो के शायरी स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके 19:16 के रेशियो को सिलेक्ट कर लेना होता है। तो सिंपली जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो खुलने के बाद दोस्तों, आपको जो इमेज लगाना है, मान लीजिए कि अपना इमेज लगाना है, किसी इमेज को आप रखे हुए हैं उसको आपको लगाना है। तो स्टेटस में ज़्यादातर दोस्तों अपने इमेज की यूज नहीं किया जाता है फ्रेंड्स, जो मतलब कि जो अन्य इमेज होते हैं, सैड इमेज होते हैं, अच्छे अच्छे इमेज होते हैं, उसको आपको ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं एक इमेज को आपको, ये वाला इमेज मैं लेकर आपको दिखाता हूँ दोस्तों। मैं अगर चाहें तो आप यहाँ पर अपना इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेने के बाद दोस्तों, अगर चाहते हैं इस इमेज को डाउनलोड करने का तो लिंक डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से सिंपली जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लेने के बाद इस पर आपको प्रेस कर देना। प्रेस करने के बाद दोस्तों, आपको देखिए ये वाला ऑप्शन मिलेगा ऊपर में, देखिए कैंची के जो बगल में दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको इमेज को जितना चाहे उतना आपको जूम कर लेना है। चलिए मैं इतना तक आपको जूम कर लेता हूँ, देखिए इतना तक। करने के बाद दोस्तों, जो आपको यहाँ पर बीच में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको प्रेस कर देना है। इस तरह से हो जाने के बाद दोस्तों, आप जितना चाहें उतना सेकंड का बढ़ा सकते हैं। लेने के बाद दोस्तों, फिर से आपको लेयर पे जाना है, उसके बाद मीडिया पे जाना है। मीडिया पर जाने के बाद दोस्तों, देखिए इस तरह से आपको एक और ग्रीन स्क्रीन, ये वीडियो नहीं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये इमेज है। तो आपको क्या करना है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपली करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको जो दो नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, इस पर आपको क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में कर लेना है। करने के बाद दोस्तों, इसको आपको बढ़ा लेना है, जितने आप पहले वाले इमेज को सिलेक्ट किए हैं उसी तरह इसको भी उतने तक सेलेक्ट कर लेना है। तो करने के बाद दोस्तों, जो आप ग्रीन वाला ये फोटो दिख रहे हैं उस पर क्लिक करके आपको नीचे को स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए क्रोमैकी की का, इसके आपको इनेबल कर देना है। देखिए मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह से, देखिए आपका जो शायरी है इस तरह से आपको दिखने को मिल जाएगा। मिलने के बाद दोस्तों, आपको फिर से लेयर पे जाना है, उसके बाद मीडिया पे जाना है। तो मैं आपको एक वीडियो देकर दिखा देता हूँ जो डबल एक्सपोजर वाले है दोस्तों, ये बहुत टाइम पे चला है, इस तरह के आपको मिल रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, देखिए उस वीडियो को मैं लेकर आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैंने वो वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है, देखिए कुछ इस तरह से ये वाला वीडियो है। तो इसको लेने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है कि यहाँ पर अब जो, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस हो गया। होने के बाद दोस्तों, आपको जो ए वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए ये दो नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ए वाला, इस पर आपको क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में कर लेना है। इस तरह से करने के बाद दोस्तों, इस वीडियो के अनुसार आपको इमेजेज को, आपको जितना तक ये वीडियो आपको है उतने तक आपको इमेज को भी रख लेना है। आपको अगर ज़्यादा हो जाता है इमेज तो उसको आपको कट कर लेना है। तो चलिए मैं कट कर लेता हूँ। करने के बाद दोस्तों, इस तरह से, तो जो डबल वाले एक्सपोजर वीडियो उस पर आपको क्लिक करके उसको भी आपको क्रोमैकी की को इनेबल कर लेना है। तो इस तरह से आपको हो जाएगा। होने के बाद दोस्तों, चलिए मैं इस वीडियो को एक बार आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए इसका, अगर चाहें तो आप म्यूजिक यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं या स्नैक वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैं म्यूजिक लगाया दोस्तों, उसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस तरह से हो गया है। तो आने के बाद दोस्तों, एक बार चलिए मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपका वीडियो जो है कुछ इस तरह से हो गया दोस्तों। इसमें अगर आप अलग से कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पहले एक्सपोर्ट कर लेना होता है। तो चलिए इस वीडियो को मैं एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूं। वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे तो आपको सिंपली चले जाना है अब स्नैक वीडियो एप्लीकेशन में। वहाँ पर आपको जब जाएंगे तो फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप
अच्छे से इफेक्ट को ऐड करके आप अपने वीडियो को अपलोड करिए। तो दोस्तों इस तरह से आप सारी वाले स्टेटस वीडियो बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।